आदर मान सम्मान के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिहाग जी, विभिन्न खंडों से आए हुए सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, जैसा कि जो मैं आज देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में नशा मुक्ति जिला स्तरीय एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर आपकी टीम जो है चाहती है कि फर्स्ट आए, लेकिन आप ये भी देखते होंगे कि सारी की सारी टीम फर्स्ट नहीं आती, फर्स्ट एक ही आएगी, और जो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आएगी वो भी ये सोच लें कि हमारे अंदर हमने काफी तैयारी की लेकिन कुछ कमी थी, जिस वजह से हम सेकंड या थर्ड आए, और कुछ प्रतिभागी ऐसे हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया, वो भी आगे अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो भविष्य में बहुत बढ़िया परिणाम आपको भी मिल सकता है। मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम हमारे जब हम विद्यालय के अंदर प्रवेश किया था छठी कक्षा से, उस समय से ये प्रोग्राम चलते आ रहे हैं और आगे भी कॉलेज लेवल पर या और किसी भी लेवल पर आप जाएंगे, ये प्रोग्राम आपको आगे और अन्य तरीके से आपको उन कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ेगा। अब बात आती है नशा मुक्ति की, क्योंकि हमेशा ही नशा मुक्ति एक बुराई है, आप भी समझते हो, लेकिन बुराई और अच्छाई दोनों तरह से जैसे आप खोल रहे थे कि बुराई क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, एक तरफ से तो अच्छाई बता रहे, एक तरफ से बुराई बता रहे। मेरे हिसाब से इस जो नशा है, नशा के अंदर कोई अच्छाई मेरे को नजर नहीं आती, क्योंकि हम चाहते हैं कि ड्रग्स की के अंदर दवाइयों के अंदर ड्रग्स की जरूरत है, दवाइयों के अंदर नशे की जरूरत है। अरे जब हम हस्त पुष्ट रहेंगे, हमारा खान पान बढ़िया रहेगा, हमें जरूरत ही नहीं दवाइयों की, कहां से जरूरत होगी हमारे को दवाइयों की, क्यों दवाई लेंगे हम, क्यों हम ऐसी चीजों का यूज करेंगे जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्यों हम उसके आदि हो रहे हैं। अब आप एक जो नशा करता है उसका परिवार को देखो, जो नशा नहीं करता उसके परिवार को देखो, तो दोनों की अगर आप तुलना करोगे तो आपको उस तुलनात्मक से ही पता लग जाएगा कि वहां क्या है, आपको शाम होते ही पता लग जाएगा कि क्या चीज है, आवाज आने लग जाएगी ऊंची ऊंची, देखियो कुछ नहीं। हमेशा कोई भी चीज है, चाहे आप नशा कर सकते हैं, नशा कोई शराब में या और चीज में, किसी में नहीं है, नशा बुराई में है, बुराई क्या है, किसी भी चीज की हो या कोई अति किसी भी चीज की हो, अगर हम खाना खाते हैं, अगर दो रोटियों की हमारी भूख है, अगर हम उनकी जगह तीन रोटियां खा लें तो क्या क्या होगा हमारे साथ, वो नशे से भी ज्यादा काम करेगा, हमारे को है तकलीफ हो गई, हम कोई काम नहीं कर सकते, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। तो अति हर चीज की जो बुरी होती है उसको हमें त्याग देना चाहिए। सुबह उठो, सुबह उठने के बाद सैर करो, योगा करो, ये क्या चीज है, हमारे जीवन के अंदर ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई एक बहुत ही बड़ी अद्भुत और योग्य चीज है, जो अगर हम उसको यूज कर लें, मेरे हिसाब से दवाई जो ये नशे वाले जो कहते हैं कि दवाइयों के अंदर जरूरत है, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी, क्या जरूरत है दवाइयों की, आप करके देखो, यूज करके देखो, प्रयोग करके देखो, अगर आप उससे सहमत होते हो, एक महीना ही अगर आप उस चीज को यूज कर लो, सुबह सैर करने का, सुबह योग करने का, तो उसका परिणाम आपको पता लग जाएगा, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। दूसरी बात क्या है, हम अलग प्रकार से पेंटिंग जैसे कर रहे हैं, कितने बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं बच्चे, उनमें उन चीजों को दिखाए, उन पहलुओं को छुआ गया है कि जो हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी नकारात्मक और सबसे बड़ी हमारे लिए कमजोरी के रूप में यूज हो रहे हैं, तो उस कमजोरी को हम क्यों पकड़ रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे बचपन में जो आदतें पड़ जाती है वो आदतें हमेशा आगे तक चलती है। आपको देखा होगा, मैं एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि पुराना ब्लॉक के अंदर हम एक कुदरती जा रहे थे, चार बच्चे एक साइड में बैठे और पता नहीं क्या कुछ कर रहे, तो हमने बताया, बुलाया उनको, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो आप,
बाकी इसी क्लास में पढ़ते बोले ला पढ़ देंगे रही हमने पता लगे कि उस स्कूल में थे तो चौथी पांचवी के बच्चे होंगे क्योंकि आदतें कहां से सीखते हैं दो बच्चे सीख लिए क्या है बीड़ी के दो गुटके होते हैं ना साथ में पड़े होते हैं तो वो जो चीज है उसको उठाया उन्होंने और पी लिया वो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि रूठी जो बीड़ी होती है और कुछ चीजें पता नहीं क्या सूंघ रहे थे और सर किसी ने बताया होगा तो उन बच्चों को जब टीचर ने बताया बोले हमारे स्कूल में तो आए ही नहीं है बच्चे और जब उनके पेरेंट्स को वहां बुलाया और जब उनको नजर रखी गई तो उन बच्चों ने वो चीज को त्याग दिया तो उसके लिए माँ बाप हमारे स्कूल के जो टीचर हैं सभी अगर बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है नहीं आ रहा तो हम भी उसके जिम्मेवार हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए बच्चा है कहाँ पेरेंट्स क्या है घर से जो मजदूरी के लिए कहीं चले जाते हैं और बाद में बच्चा जो है इस आदतों के अंदर चला जाता है फैसला उसका कहीं होता है और आप वो कहीं होता है तो अगर हम थोड़ी थोड़ी बातें छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये इस तरह की जो नशे से क्योंकि जहां से शुरू होता है क्योंकि एक बार जो इस के अंदर चला जाए तो वो कभी उससे निकल नहीं पाता आपको देखा होगा जो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं अब तो आप तो छोटे हो लेकिन जो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर इतनी लत लगी होती है जो इसको बहुत ही भयानक रूप दान कर सकते आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाओ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं खुद में बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर तो मैं पूछा भी वहां क्या है बोले जी इतना नशा है वहां अगर आप किसी भी बच्चे को मिलोगे ना वो कुछ ना कुछ जरूर ले रहा होगा हम कैसे बच सकते हैं उनसे बताओ आप लेकिन फिर भी बच रहे हैं क्यों बच रहे हैं हमारे संस्कार हैं जो बचाने के लिए सबसे पहले संस्कारों के ऊपर आती है बात हमारे संस्कार इन चीजों के अंदर अलाउ नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज में रह करके उन चीजों से बच्चे बच सकते हैं तो ये संस्कार कहां से आते हैं माँ बाप से पेरेंट्स से आसपास के एरिया से और साथ में टीचरों से अब आपको पता होगा कि कोई भी बच्चा है वो टीचरों का अनुसरण करता है कभी भी देखो कि वो जब स्कूल के अंदर आता है और घर में जाता है तो क्या करता है घर में जाने के बाद या तो टीचर की नकल करेगा वो ये देखेगा ये टीचर कैसी बात करता है किस प्रकार उसका आचरण है किस तरह उसका व्यवहार है किस प्रकार ये मतलब कपड़े पहन रहे हैं यानी हर चीज की एक्टिविटी की ओर ध्यान देता है तो टीचर उसके लिए सर्वोपरि है तो मैं मानता हूं टीचरों का भी बच्चों के प्रति इतना ही लगाव होना चाहिए और उन बच्चों को उस भविष्य के अंदर लेकर जाना चाहिए जो बच्चे चाहते हैं क्योंकि हमारा बच्चों को इस टाइम कुछ नहीं पता होता लेकिन जब हम बताते हैं बच्चों को अच्छी और बुराई तो ये बच्चों को पता होता है कि ये अच्छाई है ये बुराई है तो मैं क्योंकि इस कार्यक्रम में और भी जो आपका समय जो है ना काफी लग चुका है और मैं सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बड़ा अच्छा बनवाया और एक छोटी सी जैसे पहल होती है ना इस शुरुआत ये एक छोटी सी चिंगारी है आपकी जो चिंगारी है ना जिला हिसार के अंदर जरूर काम करेगी और वो ऐसा काम करेगी जिन बच्चों के अंदर जो यहाँ नहीं पहुंचे हैं उनके उन तक भी आवाज पहुंचेगी कि नशा मुक्ति जो है नशा जो है सबसे बड़ी बुराई है तो सर ने विवेक यहाँ हमारे डीपीसी के पद पर भी कार्य किया है साथ में कार्य करने का मेरे को बड़ा मौका मिला वो बहुत ही अच्छा लगा सर के साथ 2 साल कार्य किया हमने यहाँ और कोई भी कार्य होता सर ने एक ही बार ये कह दिया कि हम मेरे को नहीं पता ये कैसे करना आपने करना है तो उन्हीं चीजों को आज हम ध्यान में रखते हुए मैं सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे को इस कार्यक्रम में भी याद किया और कोई भी मैं आगे से भी कह रहा हूँ कि डीपीसी की तरफ से कोई अगर जिम्मेवारी लगाई सर हम बखूबी उसको निभाएंगे और इतना जितना आप कहोगे उससे भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी आपसे मुखातिब